खबर के साथ तो मानसून सत्र की अवधि पर आज मुहर लगेगी। चंडीगढ़ में आज होगी बीएसई की बैठक। दोपहर 3 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की यह महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है। आपको बता दें, विधानसभा स्पीकर सीएम मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीएसई की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। मानसून सत्र की अवधि पर आज मुहर लगेगी, यानी कि कितने दिनों का मानसून सत्र रहेगा इसे लेकर आज इस पर मुहर लगेगी। और बिजनेस एडवाइजरी की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। दोपहर 3 बजे का वक्त तय किया गया है इस बैठक के लिए। कई महत्वपूर्ण लोग इस बैठक में शामिल रहेंगे। विधानसभा स्पीकर सीएम मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि मानसून सत्र को की अवधि को लेकर आज का दिन काफी अहम है। ये साफ हो जाएगा कि मानसून सत्र कितने दिनों का रहने वाला है। इसके अलावा आज बीएसी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। दोपहर 3 बजे का वक्त है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की। इस मीटिंग में विधानसभा स्पीकर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। मानसून सत्र की अवधि को लेकर आज अहम दिन है, वहीं बीएसई की बैठक होनी है, बैठक को लेकर पूरी जानकारी। बिल्कुल राष्ट्रपति, देखिए आज 3 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसई की बैठक जो है वो होनी है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डिप्टी स्पीकर रणधीर गंगवा भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बीएसई की बैठक में मानसून सत्र की अवधि पर अंतिम मोहर लगेगी। कल से जो हरियाणा का विधानसभा का मानसून सत्र है वो शुरू होने जा रहा है। उससे पहले ये बीएसई की बैठक है। बीएसई की बैठक में देखा जाएगा कितना बिजनेस आया हुआ है। उसके हिसाब से तमाम जो नेता हैं, तमाम जो लोग हैं, वो तय करेंगे कि बीएसई की बैठक में मानसून की अवधि कितने दिन की रहेगी। तो कहीं ना कहीं अवधि को लेकर इस बैठक में अंतिम मोहर आज लगेगी। चलिए ठीक है, इस पर नजर बनाए रखिएगा और रवि बने रहेगा हमारे साथ।